सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट दोनों जन्मकालीन इष्टकाल के आधार पर तात्कालिक ग्रह स्पष्ट निकालने की प्रक्रिया दो ग्रहों का बता दिए और अचानक बीच में जो है ये फलादेश करने के लिए छह महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना पड़ता है, उसको श्रीपति मिश्र के ग्रंथ के आधार पर कथन करने लग गए। गणित छोड़ दिया बीच में, फिर आगे करेंगे। लगता है इनको भी यह है कि लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, सीधे गणित देते रहो, एक के बाद गणित ही गणित 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 चलाते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा। इसे थोड़ा बीच में जैसे कथाकार मनोरंजन करते ना, ऐसे मनोरंजन जैसे पीछे थोड़ी सी बात अतिरिक्त कह रहे हैं। प्रसंग नहीं है ये फलादेश का। यहाँ तो गणित चालू हो चुके हैं, ग्रह स्पष्ट की गणित हो रहा था, दो ग्रह के बता दिए, फिर आगे और ग्रहों को बताना चाहिए। श्रीपति मिश्र कृत वस्तु निर्देशा, तो पहले उनके मंगलाचरण बताएंगे। उनके मंगलाचरण यहाँ बताने क्या मतलब था, बीच में मंगलाचरण कर दो, भगवान का नाम जितना लो उतना जल्दी अच्छा रहता है, इसलिए उनके मंगलाचरण भी बोथार हैं। नत्वाताम गुरुदेवताम त्रिसमय ज्ञानोत्कते कारणम तत्पादाम्बुरु प्रकाश विकसद बोधो बुध श्रीपति शिष्य प्रार्थनया विचार्य सकलान होरागमार्थान मुहूर् वक्षे जातक कर्म पद्धति महम होराविदाम प्रीतये। तीनों काल त्रिसमय ज्ञानोद्गत है, तीनों कालों का ज्ञान कराने वाले ताम गुरुदेवताम नत्वा त्रिसमय ज्ञान उद्गते है कारणम गुरुदेवताम ताम नत्वा। त्रैकालिक संसार के ज्योतिष के माध्यम से भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञान कराने वाले उस गुरुदेव भगवान को नमस्कार करके तत्पादाम्बुरु प्रकाश विकसद बोधो बुध श्रीपति ही जिनके चरण कमलों के प्रकाश से मेरे हृदय में भी कुछ ज्ञान प्रकाश उदय हो चुका है, ऐसा जो शिष्य जो श्रीपति मैं हूं। तत्पादाम्बुरु उनके चरण कमल के प्रकाश से विकसित हुआ है बोध, ऐसा जो विद्वान मैं श्रीपति, मैं जो अविद्वान था गुरु की कृपा से विद्वान हो गया, ऐसा जो श्रीपति मैं अहम वक्षे अंतिम पाद में ना उसके से जुड़ा, ऐसा जो मैं आगे जो ग्रंथ है बनाने जा रहा हूं। श्री क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, विषय क्या था, सब बता रहे। शिष्य प्रार्थनया, शिष्य ने प्रार्थना किया गुरु से, न श्रीपति महाराज से, श्रीपति मिश्र से, भगवान आपने इतना बड़ा गहन अध्ययन किया है और ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, हम चाहते हैं आप कृपा करके उस ग्रंथ आकार प्रदान करें, लिख दें आप, आपकी परंपरा को हम कहाँ तक सुरक्षित रखें, आप ग्रंथ लिख देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा परंपरा। इसे शिष्य की प्रार्थना पर विचार करके मैंने सकलान होरागमार्थान मुहूर् सकल इस होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र संबंधी पदार्थों को, सकल पदार्थों का बारंबार अच्छी तरह से विवेचन किया और निचोड़ निकाला उसका, तो जात कर्म पद्धतिम होरा विदाम प्रीतये अहम वक्षे। अतः जातक कर्म पद्धति जन्म के कुंडली बनाने से लेकर फलादेश पर्यंत जो कुछ भी कर्म विधान है, क्रिया कर्म है, संपूर्ण प्रक्रिया का कथन करते करने को, और वह भी क्यों कर रहा हूँ, होरा विदाम ज्योतिर्वेत्ताओं का, ज्योतिषियों की भी प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, होरा विदाम प्रीत ये अहम वक्ष्य मैं आगे कहूँगा। ऐसे श्रीपति मिश्र जी ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण किए, सारी चीजें वस्तु निर्देशात्मक है, यहाँ होरा शास्त्र के सगल पदार्थों पर विचार करके सगल पदार्थों पर प्रकाश उन्होंने उस ग्रंथ में डाला है।
श्रीपति मत एक मत ही है इसलिए ज्योतिष में सुप्रसिद्ध विद्वान हुए हैं ये। एनसी लहरी एक हुए हैं, दूसरे श्रीपति है, दूसरे आधुनिकों में से बीवी रमन, ये तीन प्रमुख ज्योतिष हुए हैं। प्राचीनों में वराहमिहिर है, उनके अनेकों ग्रंथ हैं, उनके अनेकों ग्रंथ हैं, प्राचीन विद्वानों में से वो हैं। नव विद्वानों में से तीन लिए जाते हैं और अधिकतर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं ये सब एनसी लहरी के मत के हिसाब से, कुछ श्रीपति के भी हैं और कुछ बीवी रमन के भी हैं। और कई लोग क्या किया, ऐसे ही तीनों मत एक में डाल दिए हैं, आप जिसको क्लिक करो उसके अनुसार गणित देख सकते हैं। एनसी लहरी चाहो एनसी लहरी, श्रीपति चाहो श्रीपति, बीवी रमन चाहो बीवी रमन, तीनों का रखे। ऐसे भी एक सॉफ्टवेयर हमने देखा, कुंडली चक्रा 2012 में प्रथम बार बना था वो, उन्होंने तो अनेकों ग्रंथों को डाल दिया, सब पीडीएफ बना, किसी विषय में वो ग्रंथ क्लिक कर दो, उस विषय में ग्रंथ ने क्या बोला है फट से आ गया। बहुत सुंदर मेहनत किया हुआ है और इतना विस्तृत है वो, एक आप डेट टाइम प्लेस डाल देंगे 500 पन्ने का आ जाए कुंडली दुनिया भर, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्रति सूक्ष्मांतर तक विचार है। बहुत विस्तृत उन्होंने गणित करके जब डाला हुआ है, फलादेशों का वर्णन करते हैं, सब कुछ बहुत विस्तार बना, अनेकों ग्रंथों का नाम है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग बनाते हैं, उसमें श्रीपति को भी सभी ने स्थान दिया है, इसे इन्होंने मानसागरिकार ने भी अपने ग्रंथ में उनको उल्लेख किया, उनके मंगलाचरण लेकर के उन्होंने जो कहा है फलादेश जो किया जाता है उनमें कम से कम 6 चीज को जानना जरूरी है। वे 6 कौन से हैं वो बता रहे, जीवत्र प्रथमम भी जन्म समय सूर्यादि यंत्र स्फुटम तत्काल प्रभवा विलग्न संहिता कार्या सतश्च ग्रहा सिद्धांतोक्त प्रस्फुटोपकरण स्वैर्वा असकृत कर्मणा भावा खेट दृशो बलानि चतत तेषां विचिन्त्यानि षट। इसीलिए सबसे पहले प्रथमम ज्ञेयो हि ज्ञेय, इस विषय में यह है ज्योतिष के मामले में बच्चे का जन्म स्थान जहाँ है उस जन्म काल समय का सही सही समय निकालना। एक घड़ी का समय देते उसके आधार पर हम लोग गणित कर देते हैं, यानी आजकल कंप्यूटर से तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने उसमें डाल दिया सारा, वो गणित करके दे देता है, सांपातिक समय अलग दे देता है, तात्कालिक समय दे देता है, स्टैंडर्ड समय, आपने जो समय दिया वो स्टैंडर्ड है, घड़ी से आपने दे दिया, उसे सांपातिक समय निकाला जाता है, फिर जन्म के तत्स्थानिक जन्म समय निकाला जाता है, क्रम होता है वो सब, तो आपका कंप्यूटर बाबा गणित कर दे देते हैं सर, कोई चिंता नहीं है, इन्हें आप प्रक्रिया बताएंगे। वही सबसे पहले जन्म समय अभी कैसे निश्चय किया जाता है, तुरियादि यंत्र स्फुटम, तुरिय आदि यंत्रों के द्वारा स्पष्ट ग्रहण करना है, तुरिय आदि यंत्र हुआ करते, तुरी यंत्र जैसे तुरिय वेमादि हो ना, आपके जुलाहा का यंत्र होता है खट 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 करते रहता है और एक स्पीड होता है उसमें, एक गड़बड़ा जाएगा तो धागा गड़बड़ा जाएगा, आप धोती में कहीं धागा गड़बड़ दिख रहे हैं ना, वो जुलाई का गलती से वो स्पीड उसने कहीं रोक दिया, देरी कर दी, देरी कर दी तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी कर दिया तो एक वृक्ष चढ़ जाएगा, वो धागे का जो है क्रम बिल्कुल सटा हुआ एक के बाद आना चाहिए ना, आतान वितान वो बराबर गति से चलता है, उनके अभ्यास हो चुके, बात करते भी बराबर गति चला लेते हैं, बात अलग चीज है, जैसे ड्राइवर अपने गप्पे मारते रहते गाड़ी चला देता है, अभ्यास आते हैं, लेकिन वो एक आपके जो क्षण है जैसे घड़ी का टिक 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 होता है वो भी उसमें भी वैसे ही है, जैसे तुरी के आधार पर गणित करते थे पहले, घड़ी का समय का अंकन होता था, ऐसे एक यंत्र ही बना दिया
आज की भाषा में कहो चक्र से चल रहा है, घड़ी है, वो भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, बैटरी से चल जाता है जो भी। लेकिन उसमें जो गणित आ रहा है उसके आधार पर उसके वास्तविक समय उस स्थान का निकालना, ये प्रक्रिया जानना जरूरी है। स्थानीय, जन्म, कालिक, स्पष्ट, ये निकालना। फिर दूसरे में तत्काल प्रभवा विलग्न सहिता, उस काल में जो लग्न था, जन्मकालीन लग्न निकालना दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में ततश्च ग्रह कार्य, उसे ग्रह, हर एक ग्रह स्पष्ट, जैसे आप दो ग्रह देख चुके हैं, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट निकालना। सूर्य गति ग्रंथ में दिया हुआ है और चंद्र गति तो आप गणना करके निकाल दिए। इन ग्रह स्पष्ट और ग्रह गति ये निकाल लेना। उसके बाद सिद्धांतोक्त परिस्फुटोपकरण ही, कैसे निकालना है सब गणित, मैंने सिद्धांतोक्त सुस्पष्ट जो साधन बताए गए, क्रम बताए गए, कहीं जगह अलग अलग ध्रुवांक है, तो लग्न को निकालने के लिए ध्रुवांक की जरूरत पड़ेगी, बताएंगे आगे वो ध्रुवांकों का आधार पर कैसे ग्रह स्पष्टों को निकालना है, लग्न निकालना है, वो सारी चीजें जानना है। अथवा स्वैर्वा असकृत कर्मणा, अथवा स्वयं के द्वारा बार बार करके अभ्यास करके, गुरु के साथ बैठ के, पिता के साथ बैठ के, अन्य अन्य पर जहां जैसी परंपरा से प्राप्त हो जाए मार्गदर्शन देने वाला, उसे बैठ के गणित कर करके आदत अभ्यास हो जाता है। या सिद्धांत पढ़ो, समझो, वो जो बताया गया उसके अनुसार करो, या तो गुरु के सानिध्य बैठ के सीधे सीख लो। स्वैर वा असकृत कर्मणा, अथवा अपने से अनेकों बार अनेक कुंडलियां बना करके अभ्यासात आप ये लग्न ग्रह स्पष्ट को निकालना सीख लीजिएगा, उनको कर लीजिए। उसके बाद आता है द्वादश भाव को तय करना, फिर खेड दृश्य ग्रहों का दृष्टि, किस ग्रह की दृष्टि कहाँ है, पूर्ण दृष्टि कहाँ है, एक पा दृष्टि कहाँ है। हम बालबोध पढ़ते हुए तो आपको आ गया था, उसी में पूरा उसका चार्ट इसमें भी है, पंचांग में दिखाया भी था, है कि नहीं, वक्र दृष्टि कहाँ जा रहा है, एक पा दृष्टि, द्विपा दृष्टि, पूर्ण दृष्टि वगैरह, सभी ग्रहों का चार्ट बना हुआ है इसमें, उसमें था उसको। अब उस कुंडली में कहाँ कौन सा बैठा है, उसकी दृष्टि जहाँ जा रहा है वहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, शत्रु ग्रह बैठे हैं, मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, और उनके बलाबल क्या है। उसके बाद बला नीचा, इसके अंदर ग्रहों का बल तय होगा। दो तरह से होता है दृष्टि, एक तो जो ग्रह जहां बैठा है उसकी दृष्टि कहां कहां जा रही है, और किन किन ग्रहों का दृष्टि उस पर पड़ रहा है, और किसके कितने प्रभाव है उस ग्रह पे, उसके अंदर निर्भर होगा वह ग्रह फल कितना दे सकता है आपको, उसका बल तय होगा। षटबल बोलते हैं उसको, षटबल निर्णय करना, जैसे आगे आगे देखेंगे। तथा तेषां विचिन्त्यानि षटो, इस पर इन छह चीजों को आपको क्रमशः जानना पड़ेगा। तात्कालिक जन्म समय निकालना, लग्न निकालना, ग्रह स्पष्ट निकालना, भाव बोध करना, और ग्रह दृष्टि एवं बल, ये छह को जाने बिना फलादेश करना उचित नहीं होता है। इच्छे तय हो जाए तब फलादेश कीजिएगा। वदन्ति भावैक्य दलं हि संधिस् तत्र स्थितस्यादबलो ग्रहेन्द्रः ऊने तु संधेर गत भाव जातम् आगामिजं चाप्यधिके करोति। वदन्ति भावैक्य दलं हि संधि, दो भावों का ऐक्यता जा हो रही है उसका नाम संधि कहा जाता है। संधि कालीन जो ग्रह होते हैं वे तत्र स्थितस्याद अबलो, भले ग्रहेंद्र भी क्यों ना हो, सभी ग्रहों के स्वामी सूर्य भी क्यों ना हो, वो भी दुर्बल हो जाएगा। संधि काल में दो भावों के संधि, माने दो भावों का जो योग है
ऐक्य स्थल है, उस संधि काल, उसको संधि काल कहा जाता है, उसमें स्थित हो यदि ग्रह तो उस ग्रह अवश्य दुर्बल होता है। यदि वहाँ जितने अंश आदि वर्णन आ रहा है भाव में संधि में, उससे यदि न्यून अंश आदि हो, ऊनेतु संधेर गत भाव जातम, पूर्व भाव का फल देगा, आगामी जम चाप्यधिके करोती, यदि अंशादिक उस संधि कालीन अंशादि से अधिक अंशादि है तो अगले भाव को फल देगा, क्योंकि बीच में खड़ा है, अब इधर का फल देगा कि उधर का फल देगा, बीच में है उसके अपने स्थान में जहां रह रहा है उस संधि में, तो उसका कोई फल नहीं है, अबल हो गया। लेकिन यदि न्यून अंश वाला है इधर की ओर है तो पिछले भाव का फल देगा, अधिक अंश वाला है आगे की ओर है तो आगे का फल दे देगा, अगले भाव का फल देगा। ये भाव फल का निर्णय की तरह रहने की तरीका है। और विस्तार पर इसी बात को समझा रहे हैं, देखिए दो भावों के योग के अर्ध को संधि कहते हैं, इस भाव का आधा उस भाव का आधा, दोनों आधा आधा मिला दो, वो जो योग बना उसका नाम संधि काल हो गया। उससे कम अलग पूर्व भाव में फल होगा, अधिक हो तो उत्तर भाव में फल होगा, और संधि में जितना है वहां पर कोई फल नहीं होगा। जिस भाव में ग्रह होता है उसी से संबंधित फल वह अवश्य देता है, नियम है उसका। भावांश तुल्यम खलु वर्तमानो भावो ही संपूर्ण फलम विधत्ते भावो नगे चाप्यदि के चखेटे त्रिराशि के नात्र फलम प्रकल्प्यम। यदि भाव के तुल्य ग्रह का भी अपना ग्रह और भाव दोनों के अंशादि समान है तो वह भाव पूर्ण फल देने वाले हो जाएगा, वह भाव अपने पूर्ण फल दे देगा कि भावांश आदि और ग्रहांश आदि दोनों बराबर हो गया, अतः दोनों ही समीकरण को प्राप्त कर चुके हैं, अतः दोनों के से पूर्ण बल उसको आ गया, पूर्ण फल दे देगा। इन भाव से भाव जो अंशादि जितना गणित आया है उससे ग्रह का गणित अंशादि न्यून है, तो भाव से न्यून अथवा अधिक हो तो न्यूनाधिक अंश हो तो वह ग्रह त्रैराशिक होने के कारण से न्यून हो तो पूर्व भाव के अनुसार, अधिक हो तो उत्तर भाव के अनुसार फल देगा, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। भाव प्रवृत्तौ फल प्रवृत्ति पूर्णम फलम भाव समांशकेशु ह्रास क्रमाद भाव विराम काले फलस्य नाश कथितो मुनीन्द्रैः। उन्हीं बातों का अलग अलग दृष्टिकोण से तीसरी बार कह रहे, देखिए भाव प्रवृत्तौ, जब भाव के आरंभ काल होता है वहीं से फल का भी आरंभ हो जाता है। भाव और ग्रह के अंशादि भाव समांश केशु, भाव के अंशादि और ग्रह के अंशादि समान हो तो पूर्णम फलम, पूर्व बात कह रहे दोबारा, ह्रास क्रमाद भाव विराम काल और अनंतर क्रम से फल का ह्रास होता है, तथा भाव का जी संधि का विराम काल आ जाए तब तो फल का नाश ही हो जाता है, ग्रह कोई फल ही नहीं दे पाएगा। ह्रास क्रमात मैंने अनंतर आरंभ में तो पूर्ण फल दे दिया, और साम्यांश तो भी मैंने आरंभ होते ही फल देना आरंभ कर देगा, भाव आरंभात फल आरंभ, और भाव ग्रह अंश साम्य हो पूर्ण फल, और जैसे जैसे वह अंश बढ़ते जाता है अनंतर में ह्रास क्रमात फल में भी ह्रास होते जाएगा, और जब भाव का विराम हो गया मैंने संधि काल आ गया तो संधि काल में फलस्य नाशस्यात् फल बिल्कुल नहीं देगा ग्रह। ऐसे हम नहीं कहते हैं श्रीपति महाराज करे मुनीन्द्रैः, जैमिनी आदि ऋषि लोग जो पराशर ऋषि गर्ग ऋषि वनी लोग जो ज्योतिष शास्त्र विन ग्रंथ लिखे हुए हैं उन लोगों का यह कथन है। जन्म प्रयाणे व्रतबंध चौल नृपाभिषेकादि करग्रहेशु
एवं विभावा परिकल्पनीयास तैरेव योगोत्थ फलानि यस्मात् जन्म प्रयाणे व्रत बंध चौल नृपाभिषेकादि कर ग्रहेशु। ये सब मुहूर्तों में भाव प्रदान है, जन्म है, उधर कुंडली बनाओगे भाव प्रदान जन्म कुंडली का हमेशा फलादेश होनी चाहिए। प्रयाण करना यात्रा में भी भाव प्रदान तो देखनी है। व्रतबंध, व्रतबंध मने उपनयन संस्कार, चौल नृपाभिषेक राज्याभिषेक राजा का, करग्रह मने पाणी ग्रहण विवाह, एवं विभावा परिकल्पनीया जन्म समय यात्रा व्रतबंध चौल मने मुंडन राज्य विवाह आदि कार्यों में पूर्वोक्त प्रकार से द्वादश भावों का साधन कर उनके द्वारा ही उत्पन्न योगों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना चाहिए। तैरे व योगोत्त फलानि यस्मात्, जिसलिए उन भावों के द्वारा उत्पन्न निष्कर्ष जो निकलता है फल, वही फल अवश्य कथन करना चाहिए। इस प्रकार से प्रासंगिक ने 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक, 5 श्लोक बीच में आपको भी थोड़ा आराम दिया, नहीं फलादेश करने के थोड़ा ज्ञान दे दिए, गणित के से थोड़ा विश्राम मिला, आप फिर गणित में दौड़ाएंगे। अब आइए दोबारा दिमाग लगाएंगे गणित में, लंकोदय द्वारा स्वदेशोदय का साधन करना। लंकोदय, लंका श्रीलंका नहीं लेना, रावण का लंका, या लंका कहते हैं जहाँ पर दो प्रकार के जो अक्षांशों का मिलन प्रदेश होता है, अर्थात आप देखते हैं जो पृथ्वी संपूर्ण को कैसे दिखाते हैं, एक गोलाकार पे दिखा देते हैं ना, ये भी गोलाकार नहीं है, इन गोलाकार मान के चलते हैं और क्या करते हैं, इस गोल में एक दो तीन लकीरें होती हैं और दूसरी यूं होती है कि नहीं होती है ना, और बीच बीच एक होता है सीधा होता है, इसका नाम बोलते हैं क्षितिज। यहां जो सूर्य का उदय है उसका नाम लंकोदय, और मान लो आपका जन्म हुआ है इधर कहीं भारत देश है कि नहीं, इधर भारत देश है क्या, नीचे उत्तर भाग है ना, उत्तर गोलार्ध में है, उसमें जो अक्षांश आ रहा है रेखांश आ रहा है उसके बीच का, इसको क्या बोलते हैं, एक जो है चौकोर का क्षेत्र, पॉकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये सीधे हैं, इनका नाम क्या है, रेखांश, उसको अंग्रेजी में कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो आड़े हैं इनका नाम क्या है, अक्षांश, अंग्रेजी में लैटिट्यूड है कि नहीं, ये जो बीच बीच है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉरिजन, नॉर्थ साउथ का एक्सिस होता है, वो उत्तरी ध्रुवीय हो जाएगा और दक्षिण ध्रुवीय हो जाएगा, और जब बीच को लाइन होता है जीरो जीरो माना जाता है, इधर भी जीरो जीरो होता है, इधर से एक दो तीन इधर जाएगा, एक दो तीन उधर जाएगा, इधर भी एक दो तीन इधर है, एक दो तीन उधर है, 180 पूरी लेते हैं, 180 उधर से, इधर से 180, 360 होता है रेखांश, 360 हो जाता है, अक्षांश 90 होता है, 45 इधर 45 होता है, उसके कारण से एक प्रोकेट जो बन गया उसमें आपका जन्म स्थान आएगा, आपका देश राज्य सबके अलग 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 रूप। अतः आपका जन्म यहां हुआ और सूर्य का प्रथम जो होता है वो क्षितिज पे आया, उसका नाम लंकोदय, इसकी गणित दी गई है, उसके आधार स्थान का आपको निकालना है भारत में अपना स्थान का, वो कैसे होता है वो प्रकार बता रहे हैं। स्वदेश का जो है उदय, लग्न जो लंकोदय या क्षितिजोदय, उससे लेकर के आपने स्वदेश का पहले उदय निकालो,
स्वदेश के बाद फिर स्वस्थान में अपने आप ग्रहण हो जाएगा। लंकोदया नाग तुरंग दसरा गोवांकाश्विनो राम रदा विनाड्य हो क्रमोत्क्रमस्थरखंड खैस्वी क्रमोत्क्रमस्थाश्च विहीन युक्ता लंकोदया। स्थिरांग दे रहे हैं, स्थिरांग इनका है नाग तुरंग दसरा। दसर मने दो, दसर मने दो, तुरंग मने सात और नाग मने आठ, 278 बन गया। गो अंग अश्वी, अश्विन कुमार दो, अंक भी नौ, दो नौ नौ अंक और आगे गो, गो भी नौ, नव द्वारे पुरुष नव क्षेत्र, गो से नौ गोलक, तो 299 हो गया। फिर आया राम रदा दो, फिर विनाट्य तीन नाड़ी तीन, 323 हो गया। नाग तुरंग दसरा 278, गोहंकाश्विनो 299, राम रदा विनाड्य 323 हो गया। अगले पृष्ठ में है सब। अब इसको कैसे करना है तो कह रहे देखिए आप लिखिएगा क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसके विपरीत में चलिए अब नीचे से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अभी जो अंक आया था 278 पहले लिख दीजिए, फिर 299, 323। क्रम उत्क्रम अवत्क्रम कर दो, 323, 299, 278। ये हो गया लंकोदय। अब चरखंड को देखिए, चरखंड क्या है आपका काशी का चरखंड क्या था, 57, 46, 19, 57, 46 और 19, इसका विपरीत क्रम लिख रहे 19, 46, 57। ये तीन में घटाना है, इन तीन में जोड़ना। जब योग्य साम लखनऊ दे, अब यहां जो कर रहे काशी को लिया आपने है ना, इसे काशी का यहां पर क्या आया अभी उदय माना जाएगा। क्षितिज उदयमान से लेकर के आपने काशी का उदयमान निकाल लिया, ये भी यही क्रम से आएगा, मेष मीन आदि यही रहेंगे वहां पर। हम कितना आएगा इसका घटा करके लिखे है 278 में 57 घटाओ 221, 81 का उदयमान मेष और मीन लग्न वालों के लिए। काशी में जब जन्म कुंडली बनाओगे, मेष लग्न आया है मान लो जन्म का, मीन लग्न आया है तो 221 उनका ध्रुवांक उदयमान हो जाएगा। फिर 46 घटाया तो 253 और 19 घटाया तो 304 है या नहीं, ये भी तीन अब यहाँ जोड़ रहा है 323 19 को जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो 342, 299 में 46 जोड़ दिया तो 345, 278 में 57 जोड़ दिया 335, एक काशी का उदयमान हो गया। अब इसके आधार पर लग्न को कैसे सिद्ध किया जाए, बच्चे का जन्म लग्न निकालना है इनको लेकर के।
कैसे होता है उसके लिए पहले श्लोक देखिए फिर घटाएंगे। लग्न साधन तत्कालार्क सायन स्वोदयघ्ना भोग्यांशा ख त्रिध्रुता भोग्य काल एवं यातांशैर् भवेद् यात कालो भोग्य शोध्योभीष्ट नाडी पलेभ्यः तदनुजहि गृहोदयांश्च शेषं गगन गुण घन्नम अशुद्ध हृल्लवाद्यम सहितमजादि गृहैर् अशुद्ध पूर्वैर् भवति विलग्नं मदो अयनांशहीनम् तत्काल अर्क सायन। उस समय के जो सायन है अर्क का सायन सूर्य जो ग्रह कुंडली में रहता है बता चुका हूं सायन सूर्य स्पष्ट लिख लो। तत्काल अर्क सायन तत्कालीन सायन सूर्य स्पष्ट को लिख लिया जाए फिर क्या करना उसके बाद कहते उसको स्वोदयघ्ना उसमें जिस शयन क्षेत्र का है वहां जो अयनांश पर गणित किया हुआ है काशी का जैसे जहां का क्षेत्र जैसा अयनांश है उस अयनांश को जोड़ दीजिएगा। अयनांश जोड़कर सायन सूर्य के अंश आदि को अब क्या करना भोग्यांशा ख त्री ख मने शून्य त्री मने तीन मने वित्तीय लिखो तीस तीस से आपने उनको गुणा करने हैं तीस अंश में इन्हें घटाना है तीस अंश में घटाना है उसको जो सायन सूर्य के अंशादि को तीस अंशादियों में घटाने से जो बचा उद्धृता जो शेष बच जाता है उसको नाम है भोग्य काल भोग्यांश कहा जाएगा या भोग्य काल कहा जाएगा। एवं यातांशैर् भवेद् यात काल ठीक उसी प्रकार से भोग्यांश को अपने जिस राशि पर सायन सूर्य हो उस राशि के स्वदेशीय उदयमान से गुणा कर तीस से भाग देने पर लब्धि हो जाएगा भोग्य काल हो जाता है। भोग्य शोध्यो अभीष्ट नाडी पलेभ्यः अभीष्ट नाडी पलेभ्यः अर्थात स्वदेशी उदयमान से गुणा कर दो पहले भोग्यांश को अपने जो क्षेत्र के भोग्यांश जब आया है उसको पलब में बनाओ पलात्मक बनाओ पलात्मक बना करके स्वदेशी विमान से गुणा कर दो तब तीस से भाग देने पर जो लब्धि है वो वास्तविक भोग्य काल हुआ शोधित भोग्य काल निकल गया। पहले सामान्य भोग्य काल निकालना फिर तत्क्षेत्र के तत्कालीन भोग्य काल को शोधन कर दिया शोध्यो अभीष्ट नाड़ी पले भ्यो अपने इष्ट नाड़ी पलों से घटी पलों से उसको शोधित कर दिया। इसी प्रकार तदनु जयी गृहोदयांश्च इसी प्रकार सायन सूर्य के भुक्तांश को स्वोदय से गुणा कर तीस से भाग दे देना तदनु उसी पर गृहोदयान अपने जो सायन सूर्य के भुक्तांश है उसको स्व उदय से गुणा करके तीस से भाग देना है। शेषं गगन गुण घनम गगन मने शून्य बिना गुण मने तीन तीस के द्वारा गुणा कर दो जो शेष रह गया वो क्या हो जाएगा जो शेष बच जाएगा वो भुक्त काल समझना चाहिए। इस तरह भोग्य काल और भुक्त काल निकाल लिया अब क्या करना है इसके बाद अशुद्ध हृल्लवाद्यम यदि इष्ट घटी को पलात्मक बनाकर उसे भोग्य काल को घटाकर शेष में हमें अग्रिम जो राशि का सायन जो सूर्य के अग्रिम राशि पर हो तो यदि अधिक आकर अग्रिम राशि में चला गया संख्या तो क्या करना है तो उसके लिए राशियों के स्वदेशी जो उदयमान बताया अभी जो बताया जिस काशी का उदयमान अपने अपने देशी जो भी उदयमान निकलता है उस उदयमान के आधार पर हो क्रम से जितने घट सके उतने घटा लो यदि नहीं घटता है शेष को तीस से गुणा कर दो और अशुद्ध जो राशि है जो राशि न घट सके उसको अशुद्ध राशि कहेंगे जो राशि घट जाए वो शुद्ध राशि जो न घट सके अशुद्ध राशि दोनों का दृष्टांत आगे देने वाले हैं।
कि उदयमान से भाग देने पर जो अंशादि आपको लाभ होगा उसमें शुद्ध राशि की संख्या को जोड़कर अयनांश को घटाने से सहितम अजाद गृहैर शुद्ध पूर्वैर शुद्ध राशि के साथ उसे जोड़ दीजिएगा, तब क्या होता है विलग्नम मदो अयनांश हीनम, अयनांश को घटाने से हीन मन घटाने से आपके अपने जन्मकालीन जो स्पष्ट राशि आदि का युक्त लग्न आ जाएगा, राशि अंश घटी पल से युक्त लग्न का गणित प्राप्त हो जाएगा। इसे कुछ दृष्टांत देने से पहले विशेष कथन करने जा रहे हैं। जन्म साधन की दो रीति है, एक तो भुक्त रीति एक भोग्य रीति। जैसे भी होता है ना साइंसूर्य का भुक्त साइंसूर्य का भोग्य दोनों निकालने की बताते, भोग्य काल और भुक्त काल निकालना। भोग्य काल के आधार पर भी गणित करके लग्न बना सकते हो या भुक्त काल के आधार पर भी गणित करके लग्न निकाल सकते हैं आप, दोनों प्रकार से हो सकता है। स्पष्ट साइंसूर्य से के अंश आदि जो भुक्त द्वारा लग्न साधन की प्रक्रिया को भुक्त तथा अंशादि को 30 में घटाकर साइंसूर्य के भोग्य अंशों द्वारा लग्न साधन की रीति को भोग्य रीति कहा जाता है। अतः भुक्त रीति और भोग्य रीति दोनों रीति से आप लग्न साधन कर सकते हैं। भुक्त रीति से लग्न साधन में रात्रि शेष का इष्ट ग्रहण करते हैं। भुक्त रीति से लग्न साधन में क्या करना पड़ता है, पूर्व रात्रि में जो शेष सायं पूर्व दिन का उस शेष के आधार पर गणित होगा। रीति से लग्न साधन में राशि शेष जो था उसका इष्ट ग्रहण करते हैं। अतः जब मध्य रात्रि के बाद यदि मान लो लग्न साधना है तब क्या होगा, अभिष्ट हो तो तभी भुक्त रीति द्वारा लग्न साधन करना चाहिए, तब भुक्त रीति के द्वारा लग्न साधन किया जाएगा। इष्ट घटी को 60 घटी में घटाने से रात्रि शेष की इष्ट घटी हो जाती है कि एक दिन में पूरा 60 घटी होता है, इष्ट घटी आया हुआ है उसको 60 से निकाल दो अपने आप शेष घटी उसकी इष्ट घटी बन जाता है। इसी रात्रि शेष इष्ट घटी को पलातक पहले बनाकर उनमें से उक्त रीति से आपको क्या करना है, साधित भुक्त काल को घटा लो, घटाकर शेष में पिछली राशियों के उदयमान क्रम से घटाना चाहिए। जब कोई राशि न घटे तब उस शेष को 30 से गुणा कर दो, फिर गुणा कर जो राशि न घट सकी तो उसके उदयमान से भाग दे करके उसको उदयमान से भाग कर दो, भाग करके प्राप्त अंशादि लब्धि को अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से शेष साइन जो लग्न है उसको प्राप्त होगा, फिर उसमें अयनांश को घटा दीजिए, तब आपके अपने जन्मकालीन जो स्पष्ट लग्न आ जाता है। उदाहरण देंगे जैसे किसी के उसी वहाँ बनारस का ही ले रहे हैं, हाँ जो वर्तमान दृष्टांत चला आ रहा है, जो गणित कर रखे हो आप स्पष्ट सूर्य गणित किए थे उस दृष्टांत को लीजिए, 11, 7, 29, 21 स्पष्ट सूर्य तात्कालिक 11, 7, 29, 21 ये था। फिर अयनांश आपने गिना गिनाया था वहां पे 23, 26, 38 ये आपका अयनांश था, और इष्ट घटी इष्ट घटी आदि क्या था 25, 30 था। फिर वाराणसी का जो अक्षांश है 25, 20 वाराणसी का अक्षांश 25, 20 फिर पलभा 5, 45 पहले भी गया एक बारे 5, 45 इनके द्वारा उदयमान के उदयमान द्वारा भोग्य रीति से लग्न साधन की प्रक्रिया बता रहे। इतनी हमारे विवरण प्राप्त है,
और क्षितिज उदयमान आपने अभी देखा है वाराणसी का, वहाँ का लेंगे, मीन लग्न का लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 है ना, 11 का मतलब हो गया मीन, मीन को लेकर के करना पड़ेगा। पहले स्पष्ट सूर्य आपका 11/7/29 में अयनांश को घटाइए। तो अयनांश 23, 26, 38 सात का नीचे 23, 26, 38 11 का नीचे शून्य जोड़ना है, 8, 1, 9 और 5, 15, 55 और 7 में 1 गया 30, 30 गया तो 0, 1 आ जाएगा इधर, 11, 12, 0 हाँ जोड़ने थे, इसी भी देखकर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, जोड़ना ये हो गया आपका। अभी इसका नाम पड़ेगा सायन सूर्य। फिर कहा 30 अंश में से आपको भुक्त को निकालना है, भुक्त कितना है अभी आया था 55, 59 तो 30 अंश में 0, 0, 55, 29 को निकालना है, तो घटीपल निकालना ना, इसलिए 2 ही रखेंगे, अंश घटीपल, इस घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ 60 में से हो गया है 59 में हो गया 4 और यहाँ 29, 4, 1 बचा, ये है भुक्तांश और ये है भोग्यांश, भोग्यांश आदि, भुक्त अंश आदि और भोग्य अंश आदि, और भोग्य के आधार हमारा गणित है, लग्न निकालना है, इसे भोग्य निकाल दिया, इसे आगे गणित कर देते।